नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में टॉपिक है बायोगैस। बायोगैस या इसको गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, तो बायोगैस के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं, तो फाइनल में प्रोजेक्ट बनाना होता है, जहां पर आपको एक टॉपिक या ये मान के चलिए एक आपका कुछ पेज विलेज सर्वे पर आपको लिखने पड़ते हैं। विलेज सर्वे या गांव के बारे में आपको कुछ चंद लाइनें लिखनी पड़ती हैं, तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है आपकी। बायोगैस होता क्या है? तो क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इसकी जो कृषि जो है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, वो कृषि पर ही डिपेंड है। तो ये मान के चल सकते हैं कि जो कृषि है वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी। जैसे एक मनुष्य के शरीर में उस शरीर को खड़ा रखने के लिए बैकबोन की आवश्यकता पड़ती है, रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता पड़ती है। यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या होगा, मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको स्टेबल करने के लिए मेन रोल जो है वो आपका कृषि का है। इसलिए तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है, और गांव में रहकर वो लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। इन सभी के द्वारा हम ग्रामीण क्षेत्र में काफी मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं। अवशिष्ट पदार्थ का मतलब हो गया आपका बेकार की वस्तुएं उत्पन्न करते हैं, जैसे कि गोबर या सब्जी के छिलके। तो भारत में क्या है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है, और गांव का मुख्य व्यवसाय होता है कृषि। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति कृषि पर डिपेंड होता है, और यदि उसके पास कृषि है तो वो जानवरों को पालेगा जरूर, चाहे आपका बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, इन सभी को वो पालेगा दूध के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो यदि वो जानवरों को पालता है तो जानवरों से कुछ अवशिष्ट प्राप्त होते हैं जिन्हें कहते हैं गोबर। उस गोबर का सही यूटिलाइजेशन, सही उपयोग हम लोग करते हैं गोबर गैस के माध्यम से। तो इस अवशिष्ट द्वारा आज के वैज्ञानिक युग में बायोगैस संयंत्र में गोबर का उपयोग करके ईंधन व रोशनी व खाद प्राप्त की जाती है। मतलब गोबर गैस में यदि हम गोबर का इस्तेमाल करेंगे तो उस गोबर गैस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, खाद की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और साथ ही ईंधन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में अवशिष्ट के जैविक भाग की एक बंद कंटेनर में डाला जाता है। तो मतलब यह है कि जो भी अवशिष्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, गोबर गैस या बायोगैस प्लांट में उस गोबर को डालते हैं। तो यहां पर जानेंगे कि बायोगैस प्लांट कार्य कैसे करता है। यह टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है, जहां पर क्या करते थे कि गोबर का इस्तेमाल करके गोबर की गैस उत्पन्न करते थे, और वो गैस कौन सी होती थी, वो गैस होती थी मीथेन। मीथेन गैस जो होती है वो ज्वलनशील होती है, तो उसी को जानेंगे कि ये मीथेन गैस बनती कैसे है और गोबर गैस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक फिगर बना हुआ है गोबर गैस का। इसमें क्या है कि जब गोबर गैस बनाने के लिए पहले तो आपने यहां पर बेस बना दिया, बेस होगा ईंट पत्थर सीमेंट वगैरह का। ये बेस बनाने के बाद यहां पर दीवार वगैरह बना दी जाती है, और ये होती है गुंबद या डोम, ये वाली डोम। ये मतलब एक कुएं जैसा है, कुएं को ऊपर से ढक दिया है और साइड में यहां पर छेद बना दिया। तो इस साइड से क्या करते हैं,
गोबर और पानी के मिक्सचर को, मतलब आप पानी में गोबर के मिक्सचर को मिलाएंगे, घोल जैसा बनाकर यहां पर डाल दिया जाता है। जब गोबर और पानी का मिक्सचर अंदर जाएगा तो यहां पर क्या होगा, जैविक क्रिया होगी। जैविक क्रिया में क्या होगा, कुछ जीवाणु उत्पन्न होंगे और वो जीवाणु क्या करेंगे कि गोबर के साथ क्रिया करके गैस को उत्पन्न करेंगे और वो गैस होगी मीथेन गैस। तो यहां पर जो अपशिष्ट है, इतने एरिया में तो आ गया आपका अपशिष्ट गोबर प्लस पानी, और जो उसकी गैस बनी वो आपकी यहां पर इकट्ठी, जो आपका ये खाली स्थान है इसमें मीथेन गैस स्टोरेज हो गई। मीथेन गैस क्या हुई, यहां पर इकट्ठी हुई और यहां पर बॉल्व कर दिया है बंद, ठीक है। तो यहां पर गैस स्टोरेज हो गई। अब क्या है कि जब हमें मीथेन गैस का इस्तेमाल करना होगा तो हम इस बॉल्व को खोलेंगे और इस बॉल्व का कनेक्शन या तो आपके गोबर गैस के जो चूल्हे हैं उनसे कनेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर गोबर गैस के द्वारा जो प्रकाश की व्यवस्था है उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब ये मीथेन गैस यहां से निकलेगी तो वो क्या होगी, वहां पर जलेगी और प्रकाश उत्पन्न करेगी, और यही गैस चूल्हे से कनेक्ट कर दी जाएगी। तो ये आपके खाना बनाने में काफी सहयोगी सिद्ध होगी। तो ये पूरा जो एरिया है, जो खाली चैम्बर है, इसमें होती है मीथेन गैस, और बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें गोबर प्लस पानी का मिक्सचर होता है। और जब काफी लंबे समय तक यहां पर पानी और गोबर का मिक्सचर, यहां पर जैविक क्रिया होती है, तो जैविक क्रिया होने के बाद जो बेकार का गोबर वगैरह है वो यहां से निकलना प्रारंभ कर देगा, और जो बेकार का घोल है वो यहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या है, इनपुट चैम्बर में क्या करते हैं, गाय का गोबर प्लस पानी का मिक्सचर घोल बनाकर इसके अंदर डाल दिया जाता है, और इस चैम्बर के अंदर होती है जैविक क्रिया, जहां पर गोबर के साथ जीवाणु क्रिया कर एक गैस को उत्पन्न करते हैं जिसे कहते हैं मीथेन गैस, और वो मीथेन गैस क्या होती है, यहां इस खाली स्थान में इकट्ठी हो जाती है, और यहां पर वॉल्व रहता है बंद, इसलिए यहां से गैस निकल नहीं सकती है। तो यहां पर गैस इकट्ठी हो गई, और जब यहां पर काफी समय से जब गोबर और पानी का मिक्सचर यहां पर रखा रहता है, जो उसके तत्व है वो निकल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, यही गोबर यहां से आउटलेट वॉल्व के माध्यम से गोबर बेकार का घोल यहां से बाहर निकल जाता है। तो आप समझ गए कि यहां जो स्थान है ये चैम्बर है, इसमें मीथेन गैस को इकट्ठा किया जाता है, और इस वॉल्व के माध्यम से जो रेगुलेटर लगा है, इस रेगुलेटर के माध्यम से जरूरत पड़ने पर हम इस रेगुलेटर को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जैसे ही हमें क्या है, गैस की आवश्यकता है, तो यहां वॉल्व को खोलेंगे और इस वॉल्व के माध्यम से गैस बाहर निकल जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आप उस गैस का या तो खाना पकाने में इस्तेमाल करेंगे या फिर प्रकाश में इसका गैस का इस्तेमाल करेंगे। और जो यहां से जो बेकार का घोल बाहर निकलता है, या ये समझ लीजिए कि यहां का जो घोल है ये सब एक अच्छी खाद है, जैविक खाद है, इस प्रकार की खाद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा आपने देखा कि डीएपी होगा या यूरिया होगा, तो इसका तो एक साइड इफेक्ट है, परंतु इस जो गोबर गैस से उत्पन्न हुई जो खाद बनती है उसका प्रकृति में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, वो प्योर नेचुरल खाद होती है, और ये काफी उपजाऊ और अच्छी मानी जाती है। तो आशा करते हैं कि आप ये गोबर गैस का बिट फिगर डायग्राम आप समझ गए होंगे कि ये पूरा गुंबद है, गुंबद का एक खाली स्थान जिसमें गैस इकट्ठी होती है, और ऊपर वाले पार्ट को वॉल्व के माध्यम से इसको गैस को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। एक इनलेट वॉल्व है जिसमें पानी और गोबर का मिक्सर डाला जाता है, और जो बेकार का घोल होता है वो यहां से बाहर निकल जाता है। इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, यहां पर गोबर और पानी का मिक्सर क्रिया करता है, जैविक क्रिया करने पर गोबर से
मीथेन गैस को उत्पन्न करता है और वही मीथेन गैस हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध होती है, चाहे वो प्रकाश के रूप में, चाहे ईंधन के रूप में, और जो गोबर है वो हमारा खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बायोगैस का जो सिस्टम है वो सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो ये क्या है कि गोबर को, जो आपका कहते हैं कि गोबर का हम क्या कर रहे हैं, निस्तारण, गोबर का निस्तारण करने की एक विधि है। आप गोबर का यूज कर सकते हैं, उसी गोबर को खाद के रूप में बना सकते हैं और उस गोबर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। एक और टेक्नोलॉजी आई है जो प्रेजेंट में भी शायद यहां पर उपलब्ध नहीं है, बाकी अदर कंट्रियों में एक टेक्नोलॉजी है जिससे क्या करते हैं कि जो वेस्टेज है उससे निजात प्राप्त की जाती है, उसे कहते हैं प्लाज्मा आर्क मेथड। ये काफी, जो जितने भी खतरनाक और रेडियो एक्टिव तत्व तो हैं या जो रेडियो एक्टिव कचरे हैं, उस कचरे का निस्तारण हम लोग प्लाज्मा आर्क मेथड के द्वारा करते हैं। गोबर तो एक नेचुरल है, गोबर रखा रहेगा तो क्या होगा, प्रकृति में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यदि हम बात करें कि बैटरी का, जो मोबाइल की बैटरी हुई या सेल हुई या कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गए, तो ये सब क्या है, ये तो काफी हार्मफुल होते हैं। तो इन सभी का जो निस्तारण किया जाता है वो प्लाज्मा आर्क मेथड के द्वारा किया जाता है। तो आप ये समझिए कि जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थों को नष्ट करना होता है तो वहां पर प्लाज्मा आर्क मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप सरल और आसान भाषा में बायोगैस प्लांट को समझ गए होंगे। ये पूरा जो प्लांट है ये आपका बायोगैस प्लांट कहलाता है। ये क्या करता है, गोबर से गोबर गैस को उत्पन्न करता है, इसलिए इसका नाम रखती है बायोगैस प्लांट। और एनर्जी कंजर्वेशन में ये आठवें नंबर का जो चैप्टर है उसमें सिर्फ दो ही टॉपिक बनते थे, एक तो गोबर गैस और सेकेंड आपका अपशिष्ट और अपशिष्ट के प्रकार और उनका निस्तारण। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पुरानी वाली वीडियो जरूर देख लेना, यदि आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में विद फिगर पूछ लिया तो आप आराम से और अच्छी भाषा में और विद फिगर डिफाइन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।